अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आए वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है जेएनयू के एमपीएच प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों एमपीएच का मतलब है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में इस कोर्स की सारी डिटेल जो कि आपको एडमिशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। दोस्तों फॉर्म्स जेएनयू के आ चुके हैं, सारी डिटेल मैं बताऊंगा आगे, फीस, एप्लीकेशन फीस और दोस्तों उसकी डेट्स क्या क्या है और सारी डिटेल आपको मिलने वाली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज कर लें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियो के सारे अपडेट्स टाइम पर पहुंचते रहें। दोस्तों पहले बात करते हैं इसकी फॉर्म की डेट्स क्या है। अहम डेट दोस्तों, फॉर्म्स इसके ओपन हो चुके हैं 27 जुलाई से इसके लाइन्स ओपन है और 27 अगस्त तक शाम को 5 बजे तक फॉर्म सबमिट आप इसका कर पाएंगे। तो फीस अगर आप 27 अगस्त तक फीस भी सबमिट कर पाएंगे, लेकिन फीस आप रात को 11:50 तक बाय 11:50 आप अपनी फी डिपॉजिट कर पाएंगे। दोस्तों बात करता हूं इसमें कितनी आपको सीट्स मिलती है। दोस्तों यहां पर आपको एमपीएच में सीट्स मिलती है टोटल 11, जो कि अलग अलग कैटेगरी में पहले ही डिवाइडेड है। दोस्तों मैं बताने वाला हूं आपको किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं। दोस्तों जनरल कैटेगरी के 4 सीट्स हैं, एससी में 2 सीट्स हैं, एससी में 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी में 1 सीट है, ओबीसी में 3 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में भी 1 सीट है। दोस्तों ये हुई नंबर ऑफ सीट। दोस्तों बात करते हैं इससे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, कौन कौन दोस्तों जेएनयू में एमपीएच में अप्लाई कर सकता है और एडमिशन ले सकता है। दोस्तों 2 पॉइंट है यहाँ पर, दोनों में आपको बताऊंगा, ध्यान से आप जरूर इस पार्ट को सुनिएगा। दोस्तों अगर आपने बैचलर किया हुआ है 4 साल का, कोई भी बैचलर आपने किया हुआ है, जैसे कि आपने एमबीबीएस है, आयुष है, बीडीएस है, बीएएमएस है, बीयूएमएस है, बीएचएमएस है, बीपीटी है, बीओटी है, बीएससी इन मतलब आपके नर्सिंग है या एलाइड सब्जेक्ट है विथ 55% मार्क्स अगर आपके हैं तो आप इस कोर्स के लिए दोस्तों एलिजिबल है। या अगर जहां भी दोस्तों ग्रेड चलता है वहां पर आप 7 स्केल मतलब आपका 7 पॉइंट स्केल जो होता है बी ग्रेड के बराबर, वो अगर आपके पास है तो आप स्पोर्ट्स के लिए एलिजिबल है। दोस्तों पॉइंट नंबर 2 ये है, अगर आपने मास्टर डिग्री की हुई है सोशल साइंसेज में, मतलब ह्यूमैनिटीज में, तो मैनेजमेंट में, साइंसेज में, टेक्नोलॉजी में और जो भी उसके एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन 50% मार्क्स आपके इन एग्रीगेट हैं और अगेन जहां दोस्तों चलता है आपका ग्रेड चलता है वहां पर आपका बी ग्रेड है तो भी आप इस कोर्स के लिए टोटली एलिजिबल हैं। दोस्तों बात करते हैं इसका सिलेबस क्या है। आपको सवाल यहां पर कहां से मिलेंगे आपके टेस्ट के अंदर, सवाल आपको मिलने वाले थोड़ा मैं आपको बताता हूं सिलेबस के जो मेन मेन टॉपिक्स हैं। दोस्तों यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ सवाल मिलेंगे आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सवाल दोस्तों यहाँ मिलने वाले हैं, एपिडेमियोलॉजी से आपको सवाल यहाँ मिलने वाले हैं, एपिडेमियोलॉजी ऑफ स्पेसिफिक डिजीज यहाँ से आपको सवाल मिलने वाले हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स, एंटोमोलॉजी, हेल्थ प्लानिंग पॉलिसी, हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ इकोनॉमिक्स, न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल, सैनिटेशन, डेमोग्राफी ऑफ फैमिली प्लानिंग, मेंटल हेल्थ, एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइंसेज एंड हेल्थ, इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन हेल्थ एंड डिजीज, सोशल स्कूल हेल्थ एंड अर्बन हेल्थ। दोस्तों ये टॉपिक्स हैं कुछ, यहां से आपको आपके टेस्ट में सवाल मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं बात करूंगा इस टेस्ट कैसा होगा। दोस्तों सीबीटी होगा इसका, ऑनलाइन टेस्ट होगा, 100 सवाल आपको मिलने वाले हैं, कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होगी, तो आप फ्रीली तुक्का मार सकते हैं, तुक्का मार के आपको कोई भी हार नहीं होगा। अगर आपका तुक्का गलत भी हो जाता है तो कोई मार्क आपका कटने वाला नहीं है और सही हो जाएगा तो फिर आपको फायदा ही फायदा है। दोस्तों फीस के बारे में बात करूंगा, अगर आपको इसमें एडमिशन हो जाता है, इंडियन नेशनल है, तो आपको लगभग 350-400 रुपए दोस्तों फीस पे करना होती है टू जेएनयू, इंडिया की लोएस्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं समझता हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी, अगर आई है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।